नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 50 तक की संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार ये संख्याओं को भाग करती है। तो सबसे पहले हम दो से की विभाज्यता का नियम देखते हैं कि आपको पता है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर यानी कि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाती है। जैसे ही पहले वाली संख्या में 4 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए जो है हम संख्या को जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से यानी स्थानीय मान के अनुसार किसी भी को जो ए बी सी डी आदि डिजिट से बनी हुई हो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आप जो है उसको उनका स्थानीय मान रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इनमें ए के अलावा बाकी सभी संख्याओं में से 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन अगर एक ए के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो आप पूरी संख्या में से ही 2 कॉमन ले सकते हो। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इकाई स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो यानी कि कोई सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो तो आप पूरी संख्या को 2 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए हमें पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इकाई स्थान पर ही देख के हमें पता लग जाता है कि ये विभाजित है कि नहीं। अब 4 की विभाज्यता का नियम, 4 जो है 2 का वर्ग होता है तो 4 इसके लिए हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। तो जैसे कि इसमें 12 है तो 12 का 2 से विभाजित वो 4 से विभाजित हो जाता है तो इसलिए पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है कि लास्ट के 2 डिजिट देखने से ही हमें पता लग जाए कि ये वो 4 से विभाजित है। तो पहले की तरह हम इसे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखेंगे तो आप देखेंगे कि इकाई और दहाई स्थान के अलावा बाकी सभी स्थानों में से 4 कॉमन निकाला जा सकता है। यानी कि इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाती है। 8 की डिविजिबिलिटी, 8 जो है 2 की घात 3 होता है यानी कि 2 की पावर 3। तो आप इसके लिए लास्ट के 3 प्लेसेस को देखते हो। जैसे 74,120 में 120 जो है वो 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या ही 8 से विभाजित हो जाएगी। 36,103 में 103 जो है वो 8 से विभाजित नहीं होता इसलिए संख्या विभाजित नहीं होगी। अब इसको समझने के लिए हम जो है दोबारा से इसको देखते हैं। तो आप देखते हैं कि पहले 3 स्थानों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों में से 8 जो है कॉमन लिया जा सकता है। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थान में से अगर 8 का गुणज आ जाए यानी कि ये भाग जो है 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 16 जो है 2 की घात 4 होता है यानी कि 2 की पावर 4। तो इसमें जो है हम जो है 4 स्थानों तक देखते हैं। जैसे कि इस संख्या में हम जो है 7,648 जो है 16 से विभाजित होगा, पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। इसको भी हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंतिम 4 स्थानों यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा और हजार का वाले को छोड़कर बाकी सब में से 16 कॉमन निकाला जा सकता है। यानी कि ये बचा हुआ स्थान अगर 16 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि हम अंकों को जोड़कर देखते हैं। सभी अंकों को जोड़ेंगे तो अगर वो 3 या 3 का गुणज यानी कि 3 का मल्टीपल आ जाता है तो 3 से विभाजित होगी। जैसे इसमें 24 आ रहा है और 24 3 का गुणज है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब ये देखते हैं कैसे क्यों होता है। तो स्थानीय मान सारणी के अनुसार हम इसको स्थानीय मान के साथ इस तरह रखेंगे कि इस तरह तोड़ते हैं कि ये संख्या जो है 3 के उनके गुणन में कट जाए। तो आप इनको में से 3 कॉमन लेगे तो बाकी देखोगे कि एक भाग जो है ए बी सी डी ई आदि बच जाता है। तो अगर ये सभी क्या है कि संख्या के स्थानों का जोड़ है, एक अंकों का जोड़ है। तो अंकों का जोड़ अगर 3 का गुणज होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 9 का नियम भी है जो वो 3 के अनुसार ही है। इसमें जो है सभी अंकों का जोड़ जो है 9 का गुणज हो तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दी गई संख्या में एक अंकों का जोड़ 18 आ रहा है जो कि 9 से विभाजित होता है। 2,356 में अंकों का जोड़ जो 16 आता है इसलिए ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होती है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इसको पहले की तरह जैसे 3 में किया था उसी प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। अब 3 के बजाय 9 कॉमन लेंगे तो आप देखते हो कि ए बी सी डी ई आदि जो है अंकों के जोड़ के अलावा बाकी सब में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो इसके मतलब अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो जाए तो सारी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 में एक विभाजिता के लिए इकाई और दहाई स्थान पे 0 और 5 देखते हैं। अगर 0 और 5 हो तो दोनों ही संख्याएं जो है या इससे 5 से विभाजित हो जाएंगी। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि स्थानीय मान के अनुसार इसको रखने पर अब इकाई अंक के अलावा बाकी सब में से 5 कॉमन लिया जा सकता है। यानी कि इकाई स्थान पर अगर 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 10 के विभाज्यता के लिए जो नियम यह है कि इसमें इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 0 के अलावा कोई अंक या होने पर वो संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे 12,430 के में इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। ये आगे वाले संख्या में जो है आप देख रहे हैं कि
ये 14,707 में 7 इकाई स्थान पर है, इसलिए ये संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं हो रही है, सॉरी 10 से विभाजित नहीं होती है। तो इसको समझने के लिए आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है ए के अलावा बाकी सभी अंकों में से 10 कॉमन लिया जा सकता है। अब ए के स्थान पर 10 तो नहीं रखा जा सकता, इसलिए यहाँ पर 0 होना अनिवार्य है। इसीलिए जो है हम कहते हैं कि अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा तो पूरी संख्या जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगी। अब जो है हम 6 की विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो 6 जो है एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, जो कि जिसके गुणनखंड जो है 2 और 3 होते हैं। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दिए गए उदाहरण में 45,672 में इकाई स्थान पर 2 होने के कारण ये 2 से विभाजित है, और अंकों का जोड़ जो है करने पर 24 आता है, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो इसीलिए पूरी संख्या जो है 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये 2 से विभाजित होगी, 6 3 से भी, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। 11 में विभाज्यता के नियम के लिए ये जो है, तो हम इनको इस तरह से रख सकते हैं कि इकाई स्थान पर इनमें एक हो जिनको उनको सबका अध्ययन करेंगे। तो आप ये देखें जो इकाई स्थान के अलावा जो बचा हुआ अंक है, एक जहाँ इकाई स्थान पर एक है उसके अलावा जो बचा हुआ अंक है, जैसे इसमें 11 में एक है, तो एक को एक गुणा जो है हम लास्ट वाली संख्या में से शेष बची संख्या में से लगातार घटाते जाएंगे। तो हमारे को जो है पूरी संख्या 11, अगर 0 या 11 का गुणा जा जाता है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे इसे अल्टरनेट प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हो कि हरे अंक जो है वो सम स्थानों पे है, और लाल वाले अंक जो है मैंने दिखाए हैं वो विषम स्थानों पर हैं। तो आप सम स्थानों का जोड़ करिए और विषम स्थानों का जोड़ करिए और दोनों को घटाइए, तो 22 आता है, जो कि 2 11 का दुगना है, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको पूरी संख्या को विभाजित इस प्रकार देखते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 7,25,461 में 7, 5 और 6 का जो जोड़ है वो 18 आता है, और जो विषम स्थान जो है उनका जोड़ में उसमें से घटाने पर वो 11 से विभाजित हो जाती है। ये देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इसको पूरी स्थानिमांस के हिसाब से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि एक भाग जो है 11 से विभाजित हो जाए और दूसरा नहीं हो। तो आप देखते हैं कि इसमें अंक 11 एक जो है सब में से 11 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन बचे हुए भाग जो है वो क्या है, ए प्लस का और बी माइनस का, सी प्लस का, डी माइनस का और ई प्लस का है। तो इसका मतलब आपको अल्टरनेटिवली यानी कि एकांतर क्रम में प्लस माइनस आएगा, यानी कि इकाई स्थान मतलब आपको क्या करना है कि विषम स्थानों को अलग जोड़ना है और सम स्थानों को अलग जोड़ के घटा के देखना है। अगर वो 0 या 2 11 को गुणा जाए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 21 है उसके भी इकाई स्थान पर एक है, तो यहाँ पर 22 स्थान पर 2 है, तो आप दुगना लास्ट वाले अंक का दुगना शेष बची संख्या में से घटाएंगे। तो 168 में जैसे 16 में से आप 8 का दुगना 16 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। वैसे 21 जो है एक कंपोजिट नंबर है, तो ये 3 और 7 से विभाजित हो तो भी संख्या जो है 21 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ये जो है संख्या 7 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है। 31 में भी इकाई स्थान पे 3 है, तो हम जो है ढाई स्थान के 3 को यानी कि 3 गुणे को एक जो यहाँ आपको उदाहरण में दिया, जैसे 7 को 3 से गुणा करके शेष बची संख्या में से घटाएंगे। 41 में इकाई स्थान पर 1 है, तो ढाई स्थान पर 4 है, तो आखिरी अंक के 4 गुणा जो है शेष बची संख्या में से घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 41 आता है, जो कि 41 का गुणज है। इसके अलावा अगर संख्या काफ़ी बड़ी हो तो आप उसको 5-5 के ब्लॉक्स में तोड़कर और उन सभी ब्लॉक्स को जोड़कर देखते हैं, अगर वो जो है 41 का गुणा जाता है उनका जोड़ तो पूरी संख्या 41 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे आप सोच सकते हैं कि 65,149 जो है काफ़ी बड़ा है, तो आप उसको पहले वाले नियम से यानी कि अंतिम अंक को 4 से गुणा करके वो जो है शेष बची संख्या में से घटाकर भी इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि दोनों बड़ी संख्याओं के लिए आप दोनों नियमों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि 9 जो है वो शेष बची संख्या में से आप घटाइए, 9 का 4 गुणा, फिर जो है आप आगे इस क्रम को बार बार दोहरा के कर सकते हो। 7 से विभाज्यता का नियम, तो 7 जो है इसमें इकाई स्थान पे 7 है, तो जितने भी इकाई स्थान पे 7 वाले प्राइम नंबर हैं उनको हम इस तरह समझेंगे कि आप पता है कि 7 को 3 से गुणा करने पर 21 आता है, तो यानी कि यहाँ पर एक इकाई स्थान पर आ जाने से ये वही इकाई स्थान वाले नियमों का पालन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इकाई स्थान पर 1 है तो ढाई स्थान पर 2 होने के कारण इसको 2 जो है अंतिम अंक का दुगना जो है वो शेष बची संख्या में से घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 2,891 है, इसमें इकाई स्थान पर 1 है, तो 1 का दुगना जो है
शेष बची संख्या 289 में से माइनस करेंगे तो 287 आता है। 287 में इकाई स्थान पे 7 है, उसका दुगना जो है यानी कि 14, 28 में से घटाने पे 14 आता है, कि जो कि 7 से डिविजिबल है। अब आप इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, उसके लिए यह है कि आप दो गुना घटाने के बजाय अंतिम अंक का 5 गुना शेष बची संख्या में जोड़ कर भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 483 में 3 का 5 गुना जो है वो इसमें जोड़ने पर 63 आता है, जो होता है। ज़्यादा बड़ी संख्या होने पर आप तीन तीन के ब्लॉक्स में तोड़कर उनको अल्टरनेटिवली घटा और जोड़कर जो है आप देखेंगे कि अगर वो जो है 7 का गुणा जाता है तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या को हम बड़ी जल्दी से पता लगा सकते हैं कि वो इससे विभाजित है। 17 जो है वो भी उसके इकाई स्थान पे 7 है, तो हम यहाँ पे 17 को 3 से गुणा करने पर 51 आता है। तो 51 में इकाई स्थान पर दाई स्थान पर क्योंकि 5 है, तो 5 गुणा जो है शेष बची अंतिम अंक का 5 गुणा शेष बची संख्या में से घटाकर जो है हम देखते हैं कि वो 17 का गुण हो जाता है। अगर संख्या ज़्यादा बड़ी हो तो उसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या का दुगने में से अंतिम 2 अंक घटाने पर अगर 17 का गुण हो जाता है तो आप ये पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। इस क्रम को बार बार भी दोहराया जा सकता है। 27 में भी इकाई स्थान पे 7 है, तो आप जो है 27 का 3 गुणा 81 होता है, यानी कि अंतिम अंक का 8 गुणा जो है शेष बची संख्या में से घटा देते हैं। अगर वो 27 का गुण हो जाता है तो पूरी संख्या 27 से विभाजित होगी। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या को 8 से गुणा करके उसमें से अंतिम 2 अंक घटा दीजिए, अगर वो जो है 27 का गुण हो जाता है तो पूरी संख्या 27 से विभाजित हो जाएगी। इस क्रम को भी बार बार दोहराया जा सकता है। अगर संख्या काफ़ी बड़ी हो तो आप उसे तीन तीन के ब्लॉक में तोड़ सकते हैं, जैसे कि नीचे वाले उदाहरण में बताया गया है। तो और उन तीनों तीन तीन के ब्लॉक वाले अंकों को जोड़कर जो है आप देख सकते हैं कि अगर उनका जोड़ जो है अगर वो 27 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 27 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें 918 को ऊपर वाले उदाहरण में भी बता रखा है कि वो 27 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद जो है हम जो है 37 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 37 जो है ये इसके लिए भी हम इसको तीन तीन के ब्लॉकों में तोड़कर जो है इनको जोड़कर देख सकते हैं कि 37 से विभाजित है, लेकिन 37 को 3 गुणा जो है 111 होता है, यानी कि अंतिम अंक का 11 गुणा जो है शेष बची संख्या में से घटाने पर अगर वो 37 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या ही 37 से विभाजित हो जाएगी। अब आप जो है बड़ी ज़्यादा बड़ी संख्याओं को जैसे मैंने पहले बताया कि इसको आप उस हिसाब से भी कर सकते हो कि तीन तीन के ब्लॉक में तोड़कर आप उनको निकाल सकते हो। अगर 47 से विभाज्यता का नियम देखें तो 47 में भी इकाई स्थान पे 7 होता है, तो ये भी उन्हीं नियमों का पालन करता है जो 7 करते हैं। तो 27 इसको 3 से गुणा करने पर 14 आता है, तो 14 गुणा जो है अंतिम अंक का 14 गुणा जो है वो शेष बची संख्या में से घटाकर और इस नियम को दोहरा कर बार बार इसको आप देख सकते हैं कि अगर अंतिम परिणाम जो है 47 का गुणा जाता है तो पूरी संख्या 47 से विभाजित हो जाएगी। अब आप इसको इस दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि अंतिम अंक ये जो है अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या को 6 से गुणा करके बाकी उसमें जो अंतिम 2 अंक जोड़ देने पर अगर वो 47 या 47 का गुणा जाता है तो पूरी संख्या ही 47 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि आप इसमें 705 में देख रहे हैं कि 7 का 6 गुना जो है बाकी बची संख्या में जोड़ने पर आ रहा है। तो अब जो है हम वो उन अंकों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें इकाई स्थान पे 3 है। तो जैसे 13 है तो 13 में इकाई स्थान पे 3 है, तो हमारे को जो है इसको जो है इस तरह से करना है कि इसको 3 से गुणा करके 1 जोड़ना है। तो 13 जो यहाँ पर इकाई स्थान पे जो अंक है उसको 3 से गुणा करके 1 जोड़ना है। जैसे यहाँ 4 आ रहा है तो 4 गुना ऐड करना है, अंतिम अंक का को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 91 आ रहा है तो 91 में अंतिम अंक 1 को 4 से गुणा करके 9 में जोड़ना है, 13 आ रहा है जो कि 13 से विभाजित है। अगर संख्या ज़्यादा बड़ी है तो आप उनको तीन तीन के खंडों में विभाजित करके उनको अल्टरनेटिवली जोड़ और घटाकर जो है आप देख सकते हैं कि वो संख्या जो है 13 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। 23 में भी अंतिम स्थान पे 3 है, तो हम यहाँ पे दाई स्थान के अंक 2 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो आप इसमें 7 जो है अंतिम अंक का 7 गुणा जो है शेष बची संख्या में जोड़िए, तो अगर वो जो है जोड़ जो है वो अगर 23 का गुणा जाए तो पूरी संख्या 23 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि इस उदाहरण में आप आसानी समझ सकते हैं कि 8 का 7 गुणा जो है 312 में जोड़ने पर 368 आया और 8 का 7 गुणा जो है 36 में जोड़ने पर 92 आया जो कि 23 का गुणज है। आप जो है ऐसा भी
भी कर सकते हैं कि अंतिम दो अंकों का 3 गुना जो है शेष बची संख्या में जोड़ दें। अगर वो जो है 23 का गुणा जा जाए तो पूरी संख्या जो है 23 से विभाजित हो जाएगी। 33 जो है कंपोजिट नंबर है, तो 3 गुणा 11 से भी ये हल हो सकता है कि अगर कोई संख्या 3 से और 11 से भाग होती है तो पूरी संख्या जो है 3 और 11 से विभाजित होने पर 33 से भी होगी। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दाएं स्थान पर 3 होने, 3 गुणा करके 1 जोड़ने में 10 आ रहा है, तो 10 गुणा जो अंतिम अंक का जो है वो शेष बची संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 7 का 10 गुणा 70 62 में जोड़ने पर 132 आता है, और 2 का 10 गुणा यानी कि 20 13 में जोड़ने पर 33 आ रहा है, जो कि 33 से विभाजित है। अगर संख्या ज़्यादा बड़ी है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको दो दो के ब्लॉकों में तोड़कर और उनको जोड़ कर देखते हैं, अगर वो 33 का गुणा जाता है तो पूरी संख्या 33 से विभाजित हो जाएगी। 43 से विभाज्यता का ये नियम है कि 43 को 3 से गुणा करने में 4 को 3 से गुणा करने और 1 जोड़ने पर 13 आता है, तो आप अंतिम अंक का 13 गुणा जो है शेष बची संख्या में जोड़ेंगे और इसको बार बार दोहरा कर आप देखेंगे कि अगर अंतिम परिणाम जो है वो 43 का गुणा जाता है तो पूरी संख्या 43 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको ये नियम थोड़ा बड़ा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और बड़ी संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं, कि आप अंतिम दो अंकों को 3 से गुणा करके शेष बची संख्या में से घटा कर भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि 36,249 में 49 का 3 गुणा जो है आपने शेष बची संख्या 362 में से घटाया तो 215 आता है, और 215 जो है वो 43 का 5 गुणा है, अर्थात ये पूरी संख्या 43 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद जो है हम 19 की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 19 में इकाई स्थान पे 9 है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि जो अंक इकाई स्थान के अलावा जो होते हैं उनसे एक ज़्यादा जो है वो शेष बची संख्या में जोड़ते हैं। मतलब जैसे यहाँ 19 में इकाई स्थान पे 1 है, तो उससे एक ज़्यादा यानी कि 2 यानी कि दुगना जो है वो अंतिम अंक का दुगना शेष बची संख्या में जोड़ने पर अगर जो है बचा परिणाम जो है 19 का गुण ज्यादा आता है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्हें दो दो के ब्लॉक में तोड़ के अंतिम दो अंकों को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़कर अगर वो 57 जो है 200, जैसे 209 आ रहा है, तो 209 जो है आपको पता है कि 19 का मल्टीपल है, 19 का जो है ये 11 बार जाएगा, तो ये इस तरह से आपको पता लग जाएगा 29 से विभाजित। 29 की विभाज्यता के लिए दाएं स्थान पे 2 है, तो 2 से 1 अधिक यानी कि 3 गुणा जो है हम अंतिम अंक में जोड़ कर देखते हैं। जैसे 348 में 8 का 3 गुणा यानी कि 24, 34 में जोड़ने से 58 आता है। अगर नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनमें अंतिम दो अंकों का 9 गुणा जो है शेष बची संख्या में जोड़ देने पर जो है, जैसे आपको इस उदाहरण में 145 प्राप्त होता है, जो कि 29 का 5 गुणा है, अर्थात पूरी संख्या जो है वो 29 से विभाजित हो जाएगी। तो इस उदाहरण को से आप इसको समझ सकते हैं। 39 यानी कि 39 के विभव में दाएं स्थान पे 3 है, तो 3 से 1 अधिक यानी कि 4 जो है इसमें अंतिम अंक का 4 गुणा जो है वो शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, तो 39 आया, जो कि या 39 का गुणज भी आ जाए तो आप इसको समझेंगे कि ये 39 से विभाजित होगी। लेकिन 39 जो है ये कंपोजिट नंबर भी है, तो कोई संख्या 3 से या 13 से विभाजित हो जाती है तो आप उसके वो 39 से विभाजित हो जाएगी। 49 के विभाज्यता का ये नियम है कि 49 में इकाई स्थान पे दाएं स्थान पे 4 है, तो 4 से 1 अधिक यानी कि 5 जो है 5 गुणा अंतिम अंक का 5 गुणा शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, तो जो है इस क्रम को बार बार दोहरा कर आप जो है देख सकते हैं कि अगर पूरी संख्या 49 से विभाजित होती है हो रही है तो ये या 49 का गुणा जाए तो 49 से विभाजित हो जाएगी। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि लास्ट के दो डिजिट को शेष बची संख्या के दुगने में जोड़ देने पर अगर आपको 49 का गुणज प्राप्त होता है तो पूरी संख्या 49 से विभाजित होगी। 50 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, आप इसको प्लेस वैल्यू पर इस तरह से रख सकते हैं। आप देखते हैं अंतिम दो अंकों को छोड़ के सब में से 50 कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि ये जो है दो स्थान जो है इकाई और दहाई के, इनमें जो है 0 0 या 5 0 हो तो पूरी संख्या में से 50 कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि पूरी संख्या 50 से विभाजित हो जाएगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए जो है आप मेरे प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैथ द मैथ्स गुरु मेरा चैनल है, इसे प्रमोट करने में मेरी मदद कीजिए।